किसी भी इमारत की मजबूती के लिए उसकी नींव का मजबूत होना बहुत जरूरी है। ठीक इसी तरह प्राइमरी शिक्षा, जो बच्चों के भविष्य की नींव होती है, उसकी मजबूती बच्चों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करती है। प्राइमरी शिक्षा में भाषाई कौशल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि भाषा न सिर्फ एक विषय होती है बल्कि अन्य सभी विषयों को पढ़ने और समझने का जरिया भी होती है। और यही कारण है कि यदि प्राइमरी कक्षा में बच्चों के भाषाई कौशल पर ध्यान नहीं दिया जाए तो उन्हें बाद की कक्षाओं में सीखने में कठिनाई आती है। इंग्लिश के भाषाई कौशल में तो और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इंग्लिश हमारे यहाँ बच्चों की प्रथम भाषा नहीं है। इंग्लिश समझना, पढ़ना और लिखना बच्चों के भाषाई कौशल के महत्वपूर्ण एवं मूलभूत स्किल्स में से एक है, क्योंकि ये बच्चों को इंग्लिश में स्वतंत्र रूप से पढ़ने, आलोचनात्मक सोच रखने, रचनात्मकता चिंतन करने एवं शब्दावली निर्माण के लिए प्रेरित करता है। साथ ही मौखिक और लिखित दोनों रूपों में अपने विचार व्यक्त करने की क्षमता भी विकसित करता है। बच्चों में इंग्लिश के भाषाई कौशल को विकसित करने के लिए और इस गतिविधि को आनंदपूर्ण बनाने के लिए संपर्क फाउंडेशन ने लॉन्च किया है 100 डेज रीडिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अंग्रेजी भाषा के स्पीकिंग, रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन पर केंद्रित है। इसे संपर्क स्मार्ट शाला एप्लीकेशन या फिर किसी भी साधारण स्पीकर के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कार्यक्रम बच्चों के लिए 60 ग्रेड वाइज कहानियों को नवाचार माध्यम से बच्चों तक लाता है और उन्हें कक्षा में जीवंत बनाता है। इस प्रोग्राम के 4 स्टेप्स LSRA लर्निंग साइकिल कुछ इस प्रकार हैं। पहले स्टेप में बोलती कहानियों को सुनिए और समझिए। यहाँ क्यूरेट की गई कहानियों को वीडियो के रूप में दिया गया है। हर कहानी में शब्दों को उनके उच्चारण के साथ साथ हाईलाइट किया गया है। इससे बच्चों को सही उच्चारण के साथ शब्दों को पढ़ने में मदद मिलती है। साथ ही वीडियो के दूसरे भाग में कठिन शब्दों के अर्थ को भी बताया गया है। इससे बच्चों को कहानी के मतलब को समझने में भी मदद मिलती है। दूसरे स्टेप में कहानी में आए अंग्रेजी वर्ड्स और सेंटेंसेस को रिकॉर्ड करिए और प्रोनंसिएशन चेक करिए। इस स्टेप में बच्चे कहानी में सीखे गए शब्दों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर सकते हैं और सिस्टम उनके उच्चारण की सटीकता को स्कोर देता है, जिससे कि उन्हें रियल टाइम फीडबैक मिलता है। इस तरह से बच्चे सही और प्रभावी ढंग से अंग्रेजी के शब्द बोलना सीखते हैं। इस स्टेप में बच्चे रिकॉर्ड बटन पर क्लिक करके शब्द बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा, फिर स्पीकर बटन पर क्लिक करके वही शब्द सुन सकते हैं। तीसरा, ऐप बोले गए शब्दों के उच्चारण की सटीकता बताता है। इसी तरीके से बच्चे वाक्य बोलने का अभ्यास भी कर सकते हैं। तीसरे स्टेप में कहानी पढ़िए और समझिए। इस स्टेप में बच्चे मूर्त रूप में या डिजिटल माध्यम से दी गई कहानियां पढ़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षक प्रति सप्ताह एक कहानी बच्चों को पढ़ाएंगे और उस सप्ताह में उसी कहानी से संबंधित गतिविधियां भी कराएंगे। चौथे व आखिरी स्टेप में खेल खेल में मूल्यांकन। इस स्टेप में कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों को दिया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों की कहानी की समझ को जांचा जा सकता है। खेल खेल में ये मूल्यांकन बच्चे संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर ड्रैग एंड ड्रॉप, रिक्त स्थान, सही जोड़े बनाओ और बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरह संपर्क स्मार्ट शाला का ये रीडिंग कैंपेन बच्चों में इंग्लिश के भाषाई कौशल को मनोरंजक तरीके से विकसित करने की दिशा में एक प्रयास है, जिससे बच्चों के मन से इंग्लिश के प्रति भय को निकाला जा सके और उनकी इसके प्रति रुचि को बढ़ाया जा सके। धन्यवाद।